जय माता दी। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री पूजन विधि मंत्र एवं किस रंग का करें प्रयोग और माता को क्या लगाएं भोग। नवरात्रि का पावन पर्व भारतवर्ष में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा के नौ रूपों की साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री को मातृशक्ति यानी स्नेह करुणा और ममता का स्वरूप माना जाता है। माता अत्यंत सरल एवं सौम्य स्वभाव की हैं। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है तथा माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। माँ का सफेद रंग है जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल शोभायमान है तथा माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। माता बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। माता को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को सफेद रंग का फूल चढ़ाने से चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो माँ शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। ऐसे में माँ शैलपुत्री की पूजा विधि कैसे करें आइए जानते हैं। माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। आइए जानते हैं माता का ध्यान मंत्र। वंदे वाचित लाभाय चंद्रार्ध कृते श्रीराम वृषारूढ़ा सुलाधरा शैलपुत्री यशस्विनम। फिर माता रानी की क्या है कथा सुने